पूरी चल लो रिकॉर्डिंग गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने चैप्टर 17 का जो टॉपिक हमने अध्ययन किया था वो था माध्य यात्रा प्रत्यक्ष विधि से, जिसमें वर्गीकृत और अवर्गीकृत के बारे में बात चल रही थी। तो वर्गीकृत और अवर्गीकृत से असतत जो पारमार्थिक प्रश्न सारणी थी उसमें हमने सवाल एक किया था। अब हम वर्गीकृत जिसमें वर्ग अंतराल दिया हो उसके अनुसार उस पारमार्थिक प्रश्न सारणी का माध्य कैसे ज्ञात करते हैं वो सीखेंगे। सबसे पहले आज का जो टॉपिक है वो है वर्गीकृत पारमार्थिक बंधन सारणी वर्गीकृत पारमार्थिक बंधन सारणी है प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करता है। प्रश्नावली 17.3 का हम सवाल करेंगे जिसमें वर्ग अंतराल दिया होगा और वर्ग अंतराल की सारणी के माध्यम से हम उसमें प्रत्यक्ष विधि का जो सूत्र है उसका प्रयोग करके माध्य ज्ञात करेंगे। क्वेश्चन नंबर दो, हमें सारणी दी गई इसमें जिसमें वर्ग अंतराल दिया हुआ है वर्ग को बार बार था वर्ग अंतराल बार बार था वर्ग के फिर से दर्शाते हैं माइनस
एक्स का मान निकलेगा और मेरा 0 और 6 को जोड़ने पर 0 + 6 / 2 बराबर कितना है 6 / 2 बराबर आया 3। तो प्रथम एक्स का मान आया 3। तो हमें निम्न सीमा और उच्च सीमा जोड़नी है। सबसे पहली बात, इस सवाल में हमको ऐसे का मान दिया हुआ नहीं है, वो ऐसे का मान गलत बात के माध्यम से ध्यान रखते हैं। आप ये सवाल नोट करें और 6 से 12, 6 और 12 को जोड़ के 2 का भाग देंगे, जो हमारा लिए आएगा वो अगला ऐसे का मान आया, कितना आया 9 है। इसी प्रकार 12 + 18 जो निम्न सीमा और उच्च सीमा है उनको जोड़ भाग देंगे, हमारे सामने अगला जो एक्स का मान आया होता है 15। इसी प्रकार 18 + 24 / 2 कितना है 21। जो मान है वो एक्स का मान है। तो इसी प्रकार अगला एक्स का मान 24 + 2 = 54 क्या मान 27। इस प्रकार आप सामने एक्स का मान प्राप्त हो गया। अब हमें एक्स का मान प्राप्त हो गया, अब वो निकालना है fi x। तो fi इनको ऐसे करना है, तो दोनों का भाग करना है, 3 का 6 से गुणा करना होता है, 9 का 8 से, 15 का 10 से, 9 का 21 से और 27 का 7 से करें गुणा की। यहाँ पर हमने कल सवाल किया था, लेकिन कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम से हमने देखा था अब इस स्थिति में हमारे पास एफ एक्स के मान हमारे पास याद हो गए। एक्स का मान हमने सूत्र के माध्यम से निकाल दिया, निम्न सीमा उच्च सीमा जोड़ों को का भाग करना है, प्रत्येक एक्स का मान प्राप्त हो जाता है। एक्स का मान प्राप्त होने पर हमारा सूत्र निकला एफ आई इंटू एक्स का गुणा करके एफ एक्स का मान प्राप्त किया जा सकता है। अब हमको सीमा एफ एक्स और कार्ड बार का योग जो सीमा एफ के रूप में हमको याद करना है, तो हमारा सूत्र जो है प्रत्येक विधि वाला सूत्र जो है सूत्र का प्रयोग करेंगे। सूत्र है x बार बराबर सिग्मा f i x i / सिग्मा f i। ये बार बार का फंक्शन प्रणाली जो है वो वर्गीकृत बार बार का फंक्शन प्रणाली है। पहले वाले के बार बार का फंक्शन प्रणाली थी, उसमें हमको x का मान पहले से ही दिया गया था। अब इसमें हमको x का मान कैसे निकालना है, जो वर्ग अंतराल दिया गया है उनको बारी बारी से जोड़ के 2 का भाग देंगे, तो हमें प्रत्येक वर्ग अंतराल का x का मान प्राप्त हो जाएगा। जैसा कि इसमें x का मान क्या है 0 + 6 / 2 ठीक है, 6 + 12 / 2 अगला वाला x का मान है, 12 + 18 / 2 3 / 2 आता है, इसका मैं अगला वाला जो मान प्राप्त हुआ वो 15 x का मान प्राप्त किया। 18 + 24 हमारे पास इस पर कितना का मान है, उसको जोड़ के 2 का भाग दिया, तो गया 2 का भाग 21 संख्या जो गया x 24 + 30 54 आता है, 54 में 2 का भाग देने पर हमें 27 जो प्राप्त हुआ वो अंतिम वर्ग अंतराल का x का मान प्राप्त होता है। अब हमें x का मान किसे प्राप्त होता है, तो हमने सूत्र के अनुसार हम जी f x x को 6 और 18 गुणा किया, तो 6 और 3 का 18 आया, 6 और 3 का मल्टीप्लिकेशन कितना आया 6 दिया 18, 8 गुणा 2 होकर 10 का 15 गुणा हो गया 15 था 150, इसे 9 का 21 गुणा किया 21 में 182 और 27 का 7 से 27 से 182। अब हमें प्रत्येक टर्म में वर्ग अंतराल में f x का मान प्राप्त हो गया, तो वर्ग अंतराल मान से ही दिया हुआ है। अब सूत्र के अनुसार हमें सिग्मा का मतलब f x का योगफल और f y का योगफल ज्ञात करना है। उसी की बात है सिग्मा f y जो हमारे पास आया है उनको जोड़ने पर वो आ रहा है 40। छह और आठ 14 14 10 24 24 और 9 33 33 7 40 बना होता है। इसका 40 मान लिया है सिग्मा एफ आई, तो एक्स भाग के लिए हमें 40 जो मान प्राप्त किया उसी मान लिया निकाल लिया। अब हमारे सामने एफ आई ऐसे चाहिए सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान, इनको जोड़ो 8 + 10 + 19 और 9 10 का 8 का सिग्मा 2 3 3 7 10 10 का 5 15 और 8 23 23।
क्या होता है बाद दूसरी विधि जो है वह है कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि के बारे में आप पढ़ेंगे तो उससे पहले 17 पॉइंट के जितने भी सवाल हैं इस विधि के माध्यम से आप हल करें, प्रैक्टिस करें। इसका सूत्र जो है सूत्र
वैल्यू है x बार बराबर a प्लस 1 अपॉन n अब यहाँ पर पहला सूत्र जो आया था वो आया था a प्लस सिग्मा fi di अपॉन सिग्मा fi सिग्मा fi जो होता है उसे हम n से भी कर सकते हैं इस एक किताब में बुक में fi की जगह n का प्रयोग भी किया गया है n बार बार का योगी है तो इस सूत्र को हम ऐसे भी इसमें x बार बराबर a प्लस सिग्मा fi di 1 अपॉन n ये सूत्र भी हम यूज कर सकते हैं ये सूत्र और ये सूत्र दोनों ही सूत्र से हम कभी मात्र का मान ज्ञात कर सकते हैं कभी मात्र की मात्र से तो सभी इस सूत्र को नोट कर ले फिर इनके बारे में मैं बताऊंगा कि a का मान क्या होता है d का मान क्या होता है ये सारा बताया जाएगा आपसे तो नोट कर अगला हम इस सूत्र के बारे में थोड़ा सा लिखेंगे सूत्र के बारे में लिखने से पहले ये क्या होगा मैं आपको जनरली बता देता हूँ ये जो है ना जो दिए सारणी होती है मालूम का सारणी उसमें जो हम खुद स्वयं चयन करते हैं उसे ए से दर्शाते हैं और ये हमारा होता है कल्पित मान कल्पित मतलब हम कल्पना करते हैं स्वयं उस आंकड़ों के अंदर हम कल्पना करके माध्य का मान का चयन करते हैं और वो मान आप अधिकतर हम सारणी दे रहे होती क्रम के अनुसार जो वर्ग या मान दिए गए होते हैं उनके मध्य के मान को ही हम ए से दर्शाते हैं तो हम ए का मान कल्पित मान से मानते हैं जो हम खुद चयन करते हैं ये का मान जो होता है विचलन इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा अब आप सबने सूत्र नोट कर लिया है तो आगे बढ़ते हैं सूत्र के अनुसार कल्पित माध्य का सूत्र जो मैंने बताया था होता एक्स बार बराबर ए प्लस वन अपॉन एन सिग्मा एफ आई डी यहाँ पर इसका सूत्र की जो वैल्यू है उसका डिस्क्रिप्शन करेंगे ए क्या होता है ए यहाँ पर होता है कल्पित माध्य ए जो होता है उसे हम सिग्मा एफ आई भी कहते हैं इसका अर्थ एक बार बार होगा योग बार बार होगा योग तीसरा हमारे सामने है डीए डीए जो है उसे हम कहते हैं विचलन पदों का विचलन है विचलन मान डीए क्या करने के लिए हमें एक्स एल की मान की जरूरत पड़ती है डीए का सूत्र होता है एक्स एल माइनस ए इस सूत्र के माध्यम से हम ये का मान करते हैं ए बराबर एक्स माइनस ए सूत्र से क्या लिया जाता है एक्स ए के बारे में हम बताना है जो मैं पहले बता चुका हूँ एक्स ए जो होता है वो होता है वर्ग चिन्ह वो निकलता है निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा कल्पित माध्य का मान
एक्स आई के मान से एक्स आई के मध्य से चयन किया, ये याद रखिए आप कि ए जो होता है कल्पित माध्य का मान होता है और ये मान हम चयन करते हैं एक्स आई के मान से, एक्स आई के मध्य मान से हम चयन करते हैं वही मान कल्पित माध्य के रूप में रखा जाता है। दूसरा मान एम जो हमारे सामने सारणी के अंदर बारंबारताएं दे रखी होगी, उन बारंबारताओं का जो योगफल है उस योगफल के अनुरूप जो है वही मान हमारा एम का मान लगता है, इसे हम बारंबारताओं का योगफल कहते हैं। डीआई का मान जो हमारे सामने सारणी में पद है उनका मिश्रण मान जो होता है, मिश्रण का जो मान होता है वही डीआई लगता है। डीआई का मान निकालने के लिए ये सूत्र का प्रयोग करेंगे जिसमें हमें ए का मान पहले से ही चयन किया गया है, इसका मान है सारणी से पता है कल्पित माध्य का मान जो एक्स से चयन किया गया है ए है, और एक्स के अंदर से प्रत्येक वर्ग की जो एक्स है उसमें से प्रत्येक बार ए का मान निकालते जाएंगे तो हमें डी ए का मान क्रमानुसार प्राप्त हो जाएगा। डी ए का मान निकलते ही एक्स का मान जो हमें पता है उसके मतलब डी ए का मान निकलते ही हम सूत्र में वो मान एफ आई डी ए का मान निकाल के रखेंगे तो हम कल्पित माध्य के माध्यम से समांतर माध्य या माध्य तैयार। ये आप डिस्कशन नोट ले, फिर इसके ऊपर हम सवाल की प्रैक्टिस करेंगे। सभी नोट कर लें और इसके ऊपर जो सवाल है 17.4 प्रश्नावली में उसमें उदाहरणों की प्रैक्टिस करें। कल अपन इसके ऊपर कुछ सवाल करेंगे और आप इस सूत्र को याद करें तभी अपन इसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। अभी आप सब नोट कर लें और अभी तक जितनी भी प्रश्नावली अपन सवाल किए हैं 17.1, 17.2, 17.3 के जो भी सवाल हमने इसमें किए हैं आप उनके संबंधित जितने भी सवाल हैं उनके प्रैक्टिस करें। नहीं होते सवाल तो आप मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। अपन डायरेक्ट ये कट करते नहीं होती है।